स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस तरीके से आप जो कि यूएसए बेस्ड की ऑडियंस को, प्लस अगर हम बात करें कनाडा बेस्ड की ऑडियंस को, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप जो कि यूके बेस्ड की ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो और कैसे इनके माध्यम से आप जो कि वेबसाइट ट्रैफिक ला सकते हो। आप सभी को मालूम है कि यूएसए से जो ट्रैफिक आती है, चाहे वो हिंदी ब्लॉग हो, चाहे वो बंगाली ब्लॉग हो, या फिर किसी भी लैंग्वेज में आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, उसके ऊपर अगर ट्रैफिक आती है यूएसए की या फिर कनाडा या फिर यूके की, जो यूरोप साइड की कंट्री है उनके ऊपर अगर ट्रैफिक आती है, तो आप सभी को मालूम है कि कुछ सीपीसी उसकी डबल हो जाती है। मतलब डबल की मैं बात करूं तो उससे भी ज़्यादा हो जाती है, कई गुना ज़्यादा सीपीसी बढ़ जाते हैं और कई गुना ज़्यादा जो है कि हमें अर्निंग देखने को मिलती है, रेवेन्यू ज़्यादा हमें जनरेट होता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से आप इंटरनेशनल जो है कि कंट्री को या फिर ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो और कैसे उनको टारगेट करते हुए आप ब्लॉगिंग करोगे, तो जिससे आपको ज़्यादा जल्दी ट्रैफिक मिलेगी और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सिंपली अगर हम बात करें तो जब हम ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं तो हम ज़्यादातर केस में अगर हम बात करें तो कंटेंट के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, और कंटेंट आज के समय में मैं आपको बताऊँ, जो भी मैं आर्टिकल लिखता हूँ उसके ऊपर कीवर्ड रिसर्चिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आज के डेट में अगर आप जो है कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो एक बात आपको समझ के रखना है और हमेशा जो है कि आपको जो कि इससे हमेशा क्लियरली आपको इसके ऊपर आप जो फोकस करना है, इसके ऊपर काम करना है। अदरवाइज आप जो कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग या फिर यूएसए, यूके, कनाडा इस टाइप के ऑडियंस को कभी भी गेन नहीं कर पाओगे, कभी टारगेट नहीं कर पाओगे। सिंपल सा मेथड है यहाँ पे, कभी भी डोमेन जो आप परचेस करते हो उस डोमेन को आपको ध्यान रखना है, कभी भी .com के डोमेन्स होने चाहिए। जो भी डोमेन आप परचेस करते हो वो डोमेन .com लेवल का होना चाहिए या फिर .net का होना चाहिए, या फिर अगर हम बात करें तो .uk इस टाइप के डोमेन होने चाहिए, या .co इस टाइप के होने चाहिए, .info इस टाइप के डोमेन होने चाहिए, जिससे अगर हम बात करें आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप .xyz ले डोमेन ले रहे हो, .in ले रहे हो या फिर .pk ले रहे हो, तो ये आपकी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की अगर हम बात करें, अगर उनको ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो तो आप बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंज हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप टारगेट नहीं कर पाओगे, लेकिन SEO के माध्यम से अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक की बात करें, वो सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते क्योंकि वो रैंक ही नहीं करते हैं। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट होता है हमारा कंटेंट। कंटेंट के माध्यम से अगर हम चाहें तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जो भी मैं कंटेंट लिखता हूँ उसके अंदर SEO कीवर्ड रिसर्चिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब SEO करना वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कीवर्ड को रिसर्च करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप आज के डेट में देखोगे तो हम सारे आर्टिकल AI के थ्रू लिखवाते हैं। जो भी आर्टिकल हम जो भी कंटेंट लिखते हैं ना, सारे के सारे AI लिख के दे रहा है। हम आसानी से उसे कमांड दे रहे हैं और वो हमें आर्टिकल बना के दे रहा है। मतलब हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, खुद से नहीं लिख रहे हैं। अब ऐसे में अगर हम बात करें तो आप जो है कि कीवर्ड्स को भी रिसर्च नहीं करोगे, वो कैसे भी बना के दे दे रहा है, लेकिन वो कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए, ध्यान में रखते हुए नहीं दे रहा है। तो कीवर्ड्स को अगर आप रिसर्च नहीं करोगे और कीवर्ड्स के ऊपर काम नहीं करोगे और कंटेंट के ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे, तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कभी भी यूएसए, यूके और अगर हम बात करें अदर कंट्री को टारगेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे जरूरी है कि कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना, अपने गोल्स को आप जो है कि फोकस करोगे, उसके बाद अगर हम बात करें तो कंटेंट आप बनाओगे। कंटेंट आपको मैक्सिमम बनाना है यूएसए, यूके, कनाडा बेस्ड की ऑडियंस के ऊपर कीवर्ड रिसर्च करना है, उन्हीं को टारगेट करके आपको कंटेंट बनाने हैं, और खास करके .com, .net इस टाइप के डोमेन आपको लेके रखने हैं। तो इससे आपको अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक सर्च ऑटोमेटिकली जो है कि वहाँ पे शो होने लगेंगे, ऑटोमेटिक देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप जो है कि बैकलिंक्स के लिए जा सकते हो। काफ़ी सारे लोग नहीं समझते हैं कि बैकलिंक्स बनेगी कैसे। तो देखो, अगर हमें इंटरनेशनल अगर ऑडियंस को टारगेट करना है तो सिंपल सा मेथड है, आप जो है कि यहाँ पे सर्च कर सकते हो, यहाँ पे यूएसए, यूके या फिर अगर हम बात करें जिस भी कंट्री को टारगेट करना चाहते हो, यहाँ पे सिंपली मैं जो है कि कनाडा को अगर टारगेट करना चाहता हूँ तो इस तरीके से मैं लिखूँगा कनाडा, और स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, हम स्पेलिंग को सही कर लेते हैं। इस तरीके से मैं कनाडा लिखूंगा, कनाडा डायरेक्टरी इस तरीके से टाइप करूंगा, डायरेक्टरी आपको यहाँ पे टाइप करना है, और जैसे आप कनाडा डायरेक्टरी इस तरीके से टाइप करोगे तो ये अगर आप कनाडा के लिए आप ट्रैफिक ले, अगर हम बात करें कनाडा की ऑडियंस को देख टारगेट करना चाहते हो तो कनाडा डायरेक्टरी टाइप करोगे, अगर यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो तो यूएसए डायरेक्टरी टाइप करोगे, अगर आप जो कि यूके की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप यूके डायरेक्टरी लिखोगे। सिंपल सा आपको कीवर्ड चेंज हो रहा है, कंट्री का कीवर्ड चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, डायरेक्टरी सेम है। इसके आगे आपको क्या कर देना है, एक लिस्ट आपको टाइप कर देना है। लिस्ट आप टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक आप देखोगे तो मल्टीपल जो है कि डायरेक्टरी अगर हम आज आपके पास जो है कि वेबसाइट शो होने लगेगी। और इसमें अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो और थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो आप जो है कि यहाँ पे 100+ कर सकते हो, इस तरीके से 100+ जो है कि कनाडा डायरेक्टरी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कनाडा डायरेक्टरी और एंटर मार सकते हो। अब इसमें अगर आप जो कि यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करना चाहोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे 100+ यूएसए बेस्ड या फिर 100+ यूएसए डायरेक्टरी लिस्ट इस तरीके से कर दोगे, ये कनाडा की जगह पे यूएसए आ जाएगा, ठीक है।
कनाडा की जगह पे यूके भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइटें आ जाती हैं जिनको भी आप देख सकते हो। फिलहाल मैं कैसे रिसर्च करता हूँ वो आप ध्यान दीजिएगा और उसके ऊपर आप समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए बहुत सारी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको उन वेबसाइटों को टारगेट करना है जिनके ऊपर जो कि बहुत ही अच्छी खासी ऑडियंस है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पे इन लोगों ने ये बता रखा है DAPA और हर एक चीज़ बता रखा है, यहाँ पे फ्री बता रखा है। देखिए यहाँ पे पेड और फ्री दोनों चीज़ें बता रखी है। तो इस टाइप की वेबसाइटों को आपको विजिट करना है। अब जैसे इस टाइप की वेबसाइट को विजिट करते हो तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि इस पे आपको फ्री वाले ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टरी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे की तरफ आता हूँ तो ये देखो, ये बिल्कुल फ्री में आपको ये डायरेक्टरी बिल्कुल फ्री में, पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और ये वेबसाइटों को आप दे सकते हो, ये सारी वेबसाइट यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है। इनमें से जो भी वेबसाइट है आपको अच्छी लगती है उन वेबसाइटों को विजिट करना है। और विजिट करने के बाद जो है कि जैसे कि मुझे अगर ये वाली अच्छी लगती है तो इसको विजिट करूँगा इस तरीके से, और यहाँ पे अपनी बैकलिंक्स बनाऊंगा। बैकलिंक्स बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, आपको बनाना पड़ेगा डे टू डे। और इस तरीके से जैसे कि मैंने इसको विजिट किया, और ये देखो ये कनाडा की अगर हम बात करें ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब कनाडा में किसी ना किसी बंदे की ये वेबसाइट होगी। अब मैं ये नहीं बता सकता कि किसकी है, लेकिन किसी ना किसी की कनाडा में ये वेबसाइट रन हो रही है। अब इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, जो कि एक छोटा सा देखो गेट अ क्वेट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके से क्लिक करके जो भी चीज़ें ये फुलफिल करोगे। और ये जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है ना, इस प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे दोगे। लेकिन अगर आप चाहो तो इससे भी और अच्छा कर सकते हो, गेट लिस्टेड का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, देख सकते हो ये गेट लिस्टेड का। इस तरीके से आप चाहो ना तो यहाँ पे गेट लिस्टेड पे भी क्लिक करके अपनी वेबसाइट को जो कि यहाँ पे लिस्ट करके चले जाओगे। फुल नेम यहाँ पे दे दोगे, यहाँ पे ईमेल दे दोगे, फोन नंबर दे दोगे, और ये जो कंपनी नेम पूछ रहा है ना इसकी जगह पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक देके चले जाओगे। ये एक मैजिक है, इससे भी जो है कि आपको बैकलिंक्स मिल जाएगी। अब इससे अगर हम बात करें तो अगर आपको नहीं समझ में आता है ना तो इसके ऊपर जब रजिस्टर करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें होगी, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा आपको। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ लिस्टिंग का नहीं दिया है, गेट फ्री लिस्टिंग, गेट अ फ्री लिस्टिंग, ये देख सकते हो यहाँ पे है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये लिस्टिंग का आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे। आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे ज्वाइन करोगे, साइन इन करोगे, अकाउंट क्रिएट करोगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद बिल्कुल फ्री में आप लिस्ट कर सकते हो। लिस्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी अपनी वेबसाइट, खुद की वेबसाइट के लिंक आपको जरूर देना है। अगर आप लिंक नहीं दोगे, अगर आप उसे पोस्ट नहीं करोगे, वेबसाइट का नेम नहीं दोगे, तो विजिटर आपकी वेबसाइट पे नहीं पहुंचेंगे। वैसे ही अगर हम बात करें तो आपको देख सकते हो यहाँ पे और भी कई सारे डायरेक्टरी हैं, उसको सर्च करोगे सब पे आपको उस तरीके से नहीं मिलेगा। कहीं कहीं आप ढूंढ भी पाओगे, कहीं पे नहीं भी ढूंढ पाओगे, बहुत डिफिकल्टी होती है इसके अंदर, यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा। तो सिंपली अगर हम बात करें तो ये देखो कनाडा का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। किसी ना किसी अगर हम बात करें canadaculture.com का ये वेबसाइट आप देख सकते हो, इसको विजिट कर सकते हो। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे रजिस्टर करोगे। किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप जाते हो तो सबसे ज़रूरी है कि आप वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करो, जिसके बाद आपको फॉरम्स जो है कि ओपन हो जाएंगे। और उसके अंदर अगर हम बात करें तो अपनी कैटेगरीज को देख सकते हो, ये ऑलरेडी जो है कि यहाँ पर लॉग इन हो चुका है, लॉग आउट वगैरह दिखा रहा है। तो यहाँ पे माय लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करोगे, देख सकते हो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इसको देख सकते हो। यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, फिलहाल रजिस्टर के लिए अभी यहाँ पे 403 का एरर आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे रजिस्टर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ दें, आप किसी और वेबसाइट को ट्राई कर सकते हो। बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइटें हैं जिनमें से जो अगर किसी एक वेबसाइट पर काम नहीं हो रहा है तो दूसरी वेबसाइट को आप ओपन करके और वहाँ से बैकलिंक्स बनाओगे। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि ईजिली आपको कहीं पर भी सक्सेस नहीं मिलता है अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो। थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, बार बार इनको विजिट करना पड़ेगा और उनको चेक करना पड़ेगा कहाँ पे आपको मिल रही है बैकलिंक्स, जहाँ से आपको बैकलिंक्स उठानी होगी। अब यहाँ पे ये वेबसाइट देख सकते हो, इसके अंदर आप देख सकते हो ऐड योर लोकल बिजनेस यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके ऊपर सिंपली क्लिक करोगे और जहाँ कहीं पर भी इस तरीके से लिस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर आपको यहाँ पर लिस्ट करना है। देख सकते हो आप एक अपनी लिस्टिंग कर सकते हो बिजनेस को फ्री, लेकिन उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा गेट स्टार्टेड पे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी आप जाते हो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो आप जो है कि अपने बिजनेस को, मतलब यहाँ पे अपने वेबसाइट को, जो वेबसाइट है आपकी उसके लिंक को आप जो कि पेस्ट करके कमेंट नहीं कर पाओगे या फिर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें हैं। इसमें से अगर हम बात करें तो और भी यहाँ पर देख सकते हो, टॉप पर बहुत सारी वेबसाइटें हैं। जो वेबसाइटें आपको अच्छी लगती है उन वेबसाइटों को विजिट करना है, उसके ऊपर जो है कि डायरेक्टरी को अपने क्रिएट करना है, और इससे बेहतरीन अगर हम बात करें ट्रैफिक लेना है। आपको बैकलिस्ट एक बार अप्रूव हो जाती है, आपको डे टू डे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और ज़्यादातर से ज़्यादा अगर हम बात करें कनाडा में, अगर आपने डायरेक्टरी में सबमिट किया है, यूएसए डायरेक्टरी में सबमिट किया है या फिर यूके डायरेक्टरी में सबमिट किया है, तो स्टेप बाई स्टेप आप देखोगे कुछ दिन के बाद इंस्टेंटली ट्रैफिक नहीं आती है कहीं से भी। आप ध्यान रखिएगा कम से कम एक हफ्ते के बाद धीरे धीरे आप बैकलिंक्स बनाते जाओगे, आपको बैकलिंक्स दिखने लगेगी
और उसके बाद जो कि ट्रैफिक आपको धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आएगी। हम लेकिन नेक्स्ट टाइम बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।